अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये लिमिट्स की डेफिनेशन बताई थी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। आज हम इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 1.4। इधर देखें, लिखा हुआ डिटरमिन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड लिमिट ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी। फर्स्ट पार्ट है इसका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस एक्स माइनस 5, सी इज इक्वल टू 1। यानी कि एट पॉइंट 1 पे हमने इसकी पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, फिर राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैंने आपको बताया था कल वाले लेक्चर में कि लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 और इसके ऊपर साइन कौन सा डालेंगे, माइनस का। अब इसमें एक ही फंक्शन गिवन है तो इसलिए हम इसी पे लेफ्ट भी अप्लाई करेंगे और इसी पे राइट भी। अब इसमें हम पुट कर देंगे, सिर्फ ये माइनस साइन शो करता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है और इसका कोई इस पर इफेक्ट नहीं होता, यानी कि 1 का स्केयर इसका मतलब है 1 का 1 माइनस का स्केयर 1 नहीं होगा, और यहाँ भी 1 माइनस का मतलब प्लस 1 नहीं है। सिर्फ ये शो करता है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, प्लस 1 माइनस 5। तो ये देखें, 2 प्लस 1 माइनस 5, 3 माइनस 5, ये आंसर आ गया माइनस 2 लेफ्ट हैंड लिमिट का। अब इसे भी हम अप्लाई कर देंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए हमारा साइन आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस, और वैल्यू आपको दी हुई थी 2x³ प्लस एक्स माइनस 5। इसमें भी 1 प्लस हम इसमें पुट करेंगे लेकिन इसका मतलब 1 नहीं होगा, 1+q प्लस 1 प्लस 1 और माइनस 5, ये आ जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 5। ये भी देखें, 3 माइनस 5 माइनस 2, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ गई राइट हैंड लिमिट के। हैंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट ऑफ फंक्शन लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, यही हमने प्रूव करना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी का सेकंड पार्ट देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² -9 ओवर x - 3, और सी जो है हमने किस पॉइंट पर लिमिट डिस्कस करनी है, -3 पे। तो इसके लिए देखें, पहले हम फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऊपर आपको नज़र आ रहा है x² -9, इसको हम लिख सकते हैं ना x² - 3 का स्केयर, यानी कि a² - b² का जो फार्मूला बन रहा था इसको हम लिख सकते हैं आगे a+b और a - b और x - 3। यहाँ x - 3 से कैंसिल हो गया, एफ ऑफ एक्स फंक्शन अब हमारे पास सिंपल रह गया x+3। अब इसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी अप्लाई करते हैं, राइट हैंड लिमिट भी। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट बस सिंपल लिखते हैं, यहाँ पे ये फंक्शन पुट करते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। अब आपके पास फंक्शन क्या था, x+3, तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दें 1+3 का मतलब है 4, आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम इसी पे कौन सी लिमिट अप्लाई कर देंगे, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट आपके पास है, राइट हैंड लिमिट को हम क्या लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट को लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस, और फंक्शन हमारे पास क्या था, x+3, ये आ जाएगा 1+3 और ये भी 4 आ गया। इसका मतलब है कि सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ गई राइट हैंड लिमिट के, हैंस लिमिट एक्स टेंड्स टू -3, इसका पॉइंट आपके पास -3 है। ये देखें, ये आपने देखा ही नहीं, 1 की जगह यहाँ पे क्या था, -3 है, इसको 3 कर ले, -3, ठीक है, -3 और +3, यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, ये आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है, 0। इसका जब आप प्लस में पुट करेंगी तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी 3, यानी कि 3+ -3+, साइन इसके ऊपर प्लस का ही डालना है, तो इसका आंसर भी आपके पास आ गया 0। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट के, हैंस x टेंड्स टू -3 लिमिट x टेंड्स टू -3 एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। ठीक है, आगे इसकी समझ, यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ था xc-3 पॉइंट पे हमने निकालना था। सबसे पहले हमने इस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर दिया, उसके बाद आपने इसमें लिमिट अप्लाई कर दी -3, इस तरह ही लिखना है और उसके ऊपर साइन माइनस का डाल देना। अब इसी का लास्ट पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-5 और इसके बाहर आपने क्या डाला हुआ है, मोड, और ये हमने किस पॉइंट पर डिस्कस करना है, सी इज इक्वल टू 5 पे। अब इसमें भी देखें, ये जो फंक्शन है आपको पता है कि जब हम मोड को ख़त्म करते हैं तो आपके पास जो फंक्शन दिया है ना x-5 मोड, मोड को जब हम ख़त्म करते हैं तो क्या आ जाता है, +-x-5।
अब हमने इसमें क्या करना है कि प्लस एक्स माइनस फाइव पे हमने कौन सी लिमिट अप्लाई कर देनी है, राइट हैंड लिमिट, और जो है माइनस के साथ माइनस इंटू एक्स माइनस फाइव, इसका साइन चेंज कर देंगे, बन जाएगा माइनस एक्स प्लस फाइव, यानी कि फाइव माइनस एक्स, जहाँ पे माइनस का साइन है वहाँ पे हमारी लिमिट अप्लाई हो जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम इसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू फाइव। अब लिमिट का पॉइंट क्या दिया हुआ है, फाइव, फाइव माइनस, और लेफ्ट हैंड लिमिट पे आपने फंक्शन कौन सा लेना है, ये माइनस वाला, ठीक है, ये फंक्शन आपका होगा लेफ्ट हैंड के लिए, क्योंकि ये वैल्यू डिक्रीज कर रही है और ये वैल्यू प्लस वाली क्रिएटर है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप फंक्शन लिखेंगे माइनस एक्स प्लस फाइव। अब जब हम पुट करेंगे माइनस फाइव माइनस प्लस फाइव, प्लस फाइव माइनस फाइव आपस में कैंसिल हो गया, आंसर आ गया ज़ीरो। इस तरह राइट हैंड लिमिट के लिए आपका जो फंक्शन था लिमिट एक्स टेंड्स टू फाइव प्लस, उसके लिए आपका फंक्शन कौन सा आएगा, ये प्लस वाला एक्स माइनस फाइव। यहाँ जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे फाइव प्लस माइनस फाइव, तो यहाँ पे भी आपका ये जो है ये क्या आ जाएगा, साइंस का क्या आ जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ गई राइट हैंड लिमिट के, हैंस लिमिट एक्स टेंड्स टू फाइव एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, और ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट करती है, ठीक है। कल के लेक्चर में अब हम कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे।